स्वागत है आप सभी का। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10 हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका थर्ड पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848। इसमें तीन सब टॉपिक हैं। हम लोग इसमें केवल इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इससे ये वीडियो स्पेशली बनाया गया उन्हीं के लिए जो इस CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने की मूड में हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका। शुरू करते हैं। एज कंजर्वेटिव रिजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने यूरोप में अपनी ताकत को मजबूत करना शुरू किया, लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड, इसको लोग जोड़ के लगे देखने। किस जोड़ते थे भाई? विथ रिवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। इसको लोगों ने उदारवाद को, राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। और कहाँ की क्रांति से? इटालियन जर्मन स्टेट की क्रांति से, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंस के साथ, आयरलैंड के साथ, पोलैंड के साथ। इस उदारवाद और राष्ट्रवाद को लोग इन देशों के क्रांति के साथ जोड़ के लगे देखने। और क्या होता आगे? दीज रिवोल्यूशंस वेयर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, एमंग हुम वेयर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस। और यह जो रिवोल्यूशन था इन पूरे देशों में, चाहे इटली में, चाहे जर्मनी स्टेट में, या ऑटोमन एम्पायर में, या आयरलैंड में, या पोलैंड में, इन सभी जगहों पे जो रिवोल्यूशन हुए उनका नेतृत्व किसने किया? लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने, उदारवादी राष्ट्रवादी लोगों ने, जो मध्यम वर्ग से संबंधित थे, जो शिक्षित मध्यम वर्ग से संबंधित थे। और इस शिक्षित मध्यम वर्ग में कौन कौन थे? प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, और व्यापारी वर्ग के मध्यम वर्गीय लोग थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में, जुलाई में पहला विद्रोह शुरू हुआ। द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रिएक्शन हुआ यूरोप में, जो वियना कांग्रेस हुआ, उसके बाद जिस बॉर्बन शासक को गद्दी पर बैठाया गया था, वे आर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज, उस बॉर्बन किंग को लिबरल रिवोल्यूशनरीज लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया, गद्दी से उतार दिया। हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इन लोगों ने एक संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की। और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद इसके बीच में शासक किसको बनाया गया? विथ लुईस फिलिप एट इट्स हेड, और लुई फिलिप को इसका हेड बनाया गया। लुई फिलिप इस नए शासन का हेड बना। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि हु वाज इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, तो आपका आंसर नहीं होगा लुईस फिलिप, याद रखिएगा इसको। आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रीन कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है। व्हेन फ्रांस स्नीजेज मेटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो ग्रीन कलर में है वो एक लाइन है, बीच में मेटरनिक को जोड़ दिया गया है, ये लाइन है। व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये मेटरनिक ने कहा था। तो एग्जाम में इस पे दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछता है कि किसने कहा व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मेटरनिक ने कहा था। लेकिन कभी कभी पूछता है कि एक्सप्लेन व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, एक्सप्लेन करने को आता है, जस्टिफाई करने को आता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि मेटरनिक ने ऐसा क्यों कहा, इसके
पीछे ये मुद्दा होता है कि आखिर आप साबित करिए कि मेटरनिक ने ऐसा क्यों कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप के बाकी देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में होने वाली सारी घटना का असर यूरोप के सभी देशों पर पड़ता है। जब जब फ्रांस में क्रांति हुई है तो इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ा है। इसीलिए मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस में होने वाली हर घटना का असर पूरे यूरोप पर पड़ने के कारण उसने कहा कि जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहाँ ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। क्या होता है, जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वह अलग हो जाता है। कौन? बेल्जियम। बेल्जियम यूके के जो उसका एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है, उससे बेल्जियम अलग हो जाता है, विद्रोह वहाँ हो जाते हैं। तो आगे, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स एमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित कुलीन वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वह क्या था? ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान में जो इंडिपेंडेंस के लिए संग्राम शुरू हुए उसने बहुत ज़्यादा असर डाला लोगों पे। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। 15th century से ही ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीक्स विच बिगैन इन 1821। इससे क्या होता है, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो जाता है। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि ये ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कब हुआ, तो 1821 में। ध्यान रखिएगा, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। यूनान में वैसे राष्ट्रवादी जो यूनान से बाहर रह रहे थे, जो एग्जाइल थे, उन्होंने इस ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सपोर्ट किया था। और सपोर्ट किसने किया इसमें, वैसे वेस्टर्न यूरोपियन देशों ने जिसकी सिंपैथी थी, सहानुभूति थी ग्रीक के प्राचीन संस्कृति के साथ, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया इस ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को। पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स लॉडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। इतना ही नहीं, जो कवि थे और जो कलाकार थे, उन लोगों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया और इसकी प्रशंसा की, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों के जनमत को उसने जुटाया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। एक अंग्रेज कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, उन्होंने एक फंड इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में फीवर की वजह से, बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम द इंग्लिश पोएट हु ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड वेंट टू फाइट इन द वार, तो आपका आंसर यह होगा लॉर्ड बायरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर के लिए। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अंत में
कॉन्स्टेंटिनोपुल की जो ट्रीटी हुई 1832 में, इसने ग्रीस को यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि किस ट्रीटी से ग्रीस के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया, तो आपका आंसर होगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपुल ऑफ 1832। कभी कभी इसको घुमा के पूछ देता है कि जो ट्रीटी हुई जिसकी वजह से यूनान को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाया गया, ये ट्रीटी कब हुई थी या कहाँ हुई थी, तोड़ के पूछ देता है। तो सीधा आपका आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपुल, हिंदी में कुस्तुनतुनिया, और समय है 1832 में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए इस टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, रोमानी कल्पना क्या है, और नेशनल फीलिंग का उससे क्या संबंध है, यानी कि रोमानी कल्पना और राष्ट्रीयता की भावना। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और टेरिटोरियल विकास एक्सपेंशन से नहीं हुआ, केवल क्षेत्र के विस्तार से और युद्धों से ही राष्ट्रवाद की भावना नहीं बढ़ी। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, आइडिया ऑफ नेशन को बढ़ाने में कल्चर यानी संस्कृति का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, इसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जैसे आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। क्या क्या हुआ, कला और काव्य दिया है आर्ट एंड पोएट्री, और स्टोरीज एंड म्यूजिक कहानियों किस्सों और संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में काफ़ी सहयोग दिया। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। कहता है, आइए देखते हैं रोमांटिसिज्म को। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय रोमांटिसिज्म, तो इस पे आप ध्यान देंगे, ये एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, कभी कभी 3 नंबर, कभी कभी 5 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं हम रोमांटिसिज्म को, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ध्यान देंगे, जो रोमांटिक कलाकार थे और जो कवि थे वो क्रिटिसाइज करते थे किसको, तर्क को और विज्ञान को, यानी कि तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन के वो खिलाफ थे, वो उसकी आलोचना करते थे, और एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशन, और उसके बदले में वो किस पे फोकस करते थे, इमोशन पे, भावनाओं पे, और किस पे, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, और इंट्यूशन अंतर्दृष्टि और मिस्टिकल फीलिंग्स रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देते थे। यानी कि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोमांटिसिज्म से क्या समझते हैं आप, तो सीधा आपका आंसर होगा कि वो साइंस और रैशनलिज्म के क्रिटिक थे, उसकी आलोचना करते थे, और इमोशन इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे वो जोर दिया करते थे, ये उनकी विशेषता थी। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ए शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। उनकी मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका मुख्य एफर्ट किस पे था, एक ऐसी साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को वह राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि एक कलेक्टिव हेरिटेज, एक कॉमन कल्चर को राष्ट्र का आधार बनाया जाए, न कि तर्क को और विज्ञान को। अदर रोमांटिक्स सच एज द
जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड और जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 से लेकर के 1803 तक क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड एमोंग द कॉमन पीपल दास वोक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, ध्यान दीजिएगा इसको। जर्मन दार्शनिक जो थे योहान गॉटफ्रीड या जॉन गॉटफ्रेड, इन लोगों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। दास वोक मतलब कॉमन पीपल। दास वोक का मतलब कभी कभी पूछता है एग्जाम में, व्हाट डू मीन बाय दास वोक, तो इसका आंसर हुआ कॉमन पीपल। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वोक्स गिट वॉज पॉपुलराइज्ड। उनका ये मानना था कि फोक सॉन्ग से, लोकगीतों से, फोक पोएट्री से, लोक कविताओं से एंड फोक डांस लोक नृत्यों के द्वारा एक सच्चे अर्थ में राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव हो सकता है, इसको पॉपुलराइज किया जा सकता है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल नेशन बिल्डिंग। इसलिए यह आवश्यक था कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इस लोक संस्कृति को संग्रह किया जाए, इसको समझा जाए, इसको पहचाना जाए और इस लोक संस्कृति को संग्रह करके ही एक राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेज हु वेयर मोस्टली इलिटरेट। बहुत जरूरी बात है यहाँ पे। स्थानीय बोलियों पर बल, यानी कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज उन पर जोर दिया जाना और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का जो उद्देश्य था उसका मतलब केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि उसका एक उद्देश्य ये भी था कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक आधुनिक राष्ट्रीय संदेश पहुंच सके, इसके लिए भी लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चाहा। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाई द ग्रेट पावर्स रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था जिसका 18th सेंचुरी के अंत में रसिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने, इन जैसी बड़ी शक्तियों ने इसका विभाजन कर दिया था। इवन द पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटोरी नेशनल फीलिंग्स वेर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना वहाँ अभी भी लोगों ने जीवित रखी थी। कैरोल कुरुपिंस्की, बहुत जरूरी है ये लाइन, कैरोल कुरुपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलनाइज एंड मजुर्का इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। क्या किया इसने, कैरोल कुरुपिंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से उसका बखान किया और पोलनेस और मजुर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में उसने बदल दिया। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि किसने ओपेरा के माध्यम से इसमें अपनी भूमिका निभाई, तो आपका आंसर होगा कैरोल कुरुपिंस्की। और दो यहाँ लोक नृत्य भी हैं, पोलनेस और मजुर्का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं।
लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जब पोलैंड पर रूस का कब्जा हो गया तो पोलिश भाषा को वहाँ के स्कूलों से जबरदस्ती निकाल दिया गया, हटा दिया गया और रूसी लैंग्वेज पर हर जगह जोर दिया गया, रूसी लैंग्वेज पढ़ने के लिए कहा गया रशियन लैंग्वेज को। इन 1831 एन आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टूक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रस्ड। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे बलपूर्वक दबा दिया गया, कुचल दिया गया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। इसके बाद क्या होता है, इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक अपना माध्यम बना लिया। क्लर्गी के बहुत से मेंबर्स ने क्या किया कि अपने विरोध का माध्यम हथियार के रूप में भाषा को बनाया। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। चर्च में जब कभी कोई होते थे आयोजन, उस आयोजन में पोलिश लैंग्वेज को लोग यूज करते थे और जो भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन थे, ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो थे, वह पोलिश लैंग्वेज में ही दी जाने लगे। मैंने कहा था आपसे अभी कि जब पोलिश लैंग्वेज को हटाने की कोशिश की गई रशिया के द्वारा और रशियन लैंग्वेज को इनकरेज करने की कोशिश किया रशिया के लोगों ने, उस समय पोलैंड के लोगों ने पोलिश भाषा को अपना हथियार बनाया और चर्च में या हर जगह पोलिश लैंग्वेज में ही लोग लगे काम करने। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ट एंड बिशप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशिया इन रशियन। क्या किया गया, परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया और रूसी अधिकारियों ने उन्हें पनिशमेंट के तौर पर साइबेरिया भेज दिया। वजह क्या थी कि उन लोगों ने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से, रशियन लैंग्वेज का प्रचार करने से, रशियन लैंग्वेज में उपदेश देने से उन्होंने मना कर दिया था। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व, रूसी डोमिनेशन के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आई और पोलैंड के लोग पोलिश लैंग्वेज के साथ रशिया का विरोध करने में सक्षम हुए। तो इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, विशेषकर रोमांटिसिज्म क्या होता है और कुछ और भी इसमें अन्य क्वेश्चन थे जो मैंने बताया आपको। इसको ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।